उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल की मुहिम में जुटे अनिल बलूनी ने प्रदेश को एक और स्वागत दी है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने अनिल बलूनी को पत्र लिखकर सहयोग देने की बात कही। आपको ये बताते चले कि अनिल बलूनी कैंसर जैसी बीमारी से उभरे हैं और ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड में कैंसर हॉस्पिटल की मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। इसके बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट चेयरमैन को उत्तराखंड में कैंसर हॉस्पिटल की संस्था खोलने में सहयोग करने की बात की। राज्यसभा सांसद का ये कहना है कि उत्तराखंड में गरीब लोग कैंसर का जो इलाज नहीं करा पाते, ऐसे में रतन टाटा का पत्र आने के बाद उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल की सौगात मिलने की उम्मीद जग चुकी है। नमस्कार मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों का साझा करना चाहता हूँ। आप लोगों को जानकारी है, जब मुंबई में मेरा इलाज चल रहा था तब मैं अक्सर सोचा करता था कि उत्तराखंड के जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको भी कैंसर जैसी बीमारी में लड़ने के लिए ऐसा ही इलाज मिल पाता तो कितना बढ़िया होता। उस वक्त मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस ओर प्रयास करूंगा और मैं टाटा ट्रस्ट और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के तमाम अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करता रहता था। विगत दिनों मैंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा साहब से भी आग्रह किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा कैंसर संस्थान खोलने में अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रतन टाटा साहब का मुझे जवाब आया है, उन्होंने इसमें सकारात्मक रुख रखा है और उन्होंने अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इस बारे में कार्य आगे बढ़ाया जाए। हमारी राज्य सरकार भी इस ओर बड़ी गंभीर रही है और जुलाई 2017 में टाटा ट्रस्ट के साथ एक MOU भी साइन किया गया था। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक बेहतरीन कैंसर संस्थान खोलने पर काम करेंगे।